नाजरीन आपको अहम खबर दे रहे हैं। अटक के अदालती निजाम में हंगामी तब्दीलियां, जजेस ने गाउन और अदालती अमले ने अपनी पहचान के लिए यूनिफॉर्म पहन लिया। अवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए अदालतें मुकर्रर कर दी गई। इस हवाले से जजेस ने तहलका न्यूज से खसूसी गुफ्तगू भी की। मैं बतौर सीनियर सिविल जज गार्डियन कोर्ट फैमिली केसेस, गार्डियन केसेस और जानशीनी के मुकदमात को डील करता हूं। पहले ये मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में जेर समात थे, तमाम सिविल अदालतें सुनती थी, जिसमें जिसके स्पेशली फैमिली मुकदमात और बच्चों की हजानत के जो मुकदमात थे उसमें जिन अदालतों में जेर समात थे वहाँ पर फौजदारी मुकदमात भी थे, दीवानी मुकदमात भी थे, जिसमें खवातीन को और बच्चों को बड़ी मुश्किलात पेश आती थी। वहाँ पर डेस्परेट एंड हार्डन क्रिमिनल्स भी फौजदारी मुकदमात में आते थे, सिविल मुकदमात में भी आम अफराद आते थे, तो खवातीन वहाँ पर ईजी फील नहीं करती थी। अब ये स्पेशलाइज एक फैमिली कोर्ट और गार्डियन कोर्ट और जानशीनी के मुकदमात की कोर्ट बन गई है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि खवातीन यहाँ पर ईजी फील करती हैं, कोर्ट में बैठती हैं, कोई गैर जरूरी मर्द हजरात नहीं होते, ना ही क्रिमिनल्स लोग होते हैं जिनका बुरा असर बच्चों पे पड़े। इसी तरह एक कस्टमाइज्ड मीटिंग रूम बच्चों के हवाले से बना दिया गया है, जो कि इसी इस्लाहात का एक हिस्सा है, जिसमें अब बच्चे अदालत में अपने वालदेन से मुलाकात करने की बजाय उस कमरे में बैठ के जिसमें घर जैसा माहौल दिया गया है वहां पर बैठ के मुलाकात करते हैं। केस एंड कोर्ट मैनेजमेंट प्लान 2017 है, इसके मुताबिक ज़िला भर में अदालतों को अपने काम के नौइयत से उनको तकसीम किया गया है। फौजदारी, दीवानी और फैमिली कोर्ट्स को अलग अलग किया गया है। इसी तरह सेशन कोर्ट में भी मर्डर केसेस कोर्ट, नारकोटिक्स कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स, ये सिविल अपलेट कोर्ट्स, इनको अलग अलग किया गया है। अब इसके अलावा जो कोर्ट्स हैं उनकी नंबरिंग और केस नंबर्स को पहले दिन जो एलोकेट होगा वही केस एंड तक जाएगा। इस हवाले से अभी मैं जो कि सीनियर सिविल जज जुडिशियल हूं, उस जो सबसे बड़ी बात है हमारे स्टाफ को रिकग्नाइज किया गया है, अब इनकी एक पहचान है, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का चेहरा है बड़े, मतलब ये पहले कोई यूनिफॉर्म नहीं था, कोई इनकी पॉलिसी नहीं थी, तो इस हवाले से ये रेंडमली जिस ड्रेस में मर्जी है आ गए, तो ये बड़ा एलिवेटेड फील कर रहे हैं, ये अपना जुडिशरी का पार्ट एंड पार्सल अपने आप को फील कर रहे हैं। और फिर जजेस को अब मतलब पहली दफा रिकग्नाइज किया गया, हम भी फील करते हैं कि हम जजेस हैं, हम गाउन पहनते हैं हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक, ये हमारे बहुत एलिवेशन फील कर रहे हैं हम इस लिहाज से, और ये हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का बहुत बड़ा कदम है। नुमाइंदा तहलका न्यूज यासिर मकसूद के मुताबिक पंजाब के अदालती निजाम में इस्लाहात करके अवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, अवामी हलकों ने इस अहसन इकदाम को सराहा।